गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईटीआई का जो सीबीटी एग्जाम है अब लगभग स्टूडेंट्स का समाप्त होने की स्थिति में है। अब बहुत कम बच्चों का सीबीटी एग्जाम शेष रह गया है। इस चैनल पर मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसका कारण यह था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और वापस आने के बाद मैं कुछ अस्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा था, कुछ अनफिट महसूस कर रहा था, जिसके कारण मैं आपके लिए प्रतिदिन वीडियो नहीं दे सका। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर्स के बहुत से जो सेक्टर्स हैं उनके द्वारा वैकेंसी बड़े पैमाने पर आने वाली है, और जो सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा भी आईटीआई स्तर पर एक बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। और उस बड़े वैकेंसी को सक्सेस करने के लिए हम लोग को करना क्या है कि नियमित रूप से अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखना है, क्योंकि अभी तक जो आपका सामना हुआ था वो था आईटीआई का सीबीटी एग्जाम। आईटीआई के सीबीटी एग्जाम्स में केवल आपको अपने आप से फाइट करना था, जिसके कारण आप प्रायः लड़के इसमें पास आउट हो जाते हैं। लेकिन जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, जो आपके सामने आने वाला है, उस एग्जाम को फेस करने के लिए आपको लाखों स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और यदि आपका जानकारी सही नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप वहां पर पीछे हो सकते हैं। तो अपने आप को आगे रखने के लिए और पूर्ण रूप से अपना तैयारी को कंप्लीट करने के लिए नियमित रूप से आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। अगर अभी से आप अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो ये निश्चित है कि आप आने वाला जो समय है उस समय में जो बहुत बम्पर जो वैकेंसी आ रहा है उस वैकेंसी में आप अपने आप को सेटल कर पाएंगे। और अब प्रतिदिन इस चैनल पर भी आपको वीडियो अपलोड होगा, उससे भी आप अपना गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो अगर आप अपना जॉब पक्का करना चाहते हैं, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज से ही अपना कमर को कस लेना होगा, और कमर कस कर करके आपको एक नियमित रूप से एक रूटीन के हिसाब से आपको अपना पढ़ाई करना होगा। और उस पढ़ाई में जहां तक हमसे मदद हो सकता है हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और अब प्रतिदिन आपको इस चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, फोकस करें, ताकि आप आने वाले समय में अच्छा जॉब के हकदार हो सके। थैंक यू।